दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे लकड़ी से देसी कोयला तैयार होता है। ये कोयला बिना किसी प्रदूषण के गैस से तैयार होता है, जिसमें लकड़ी की जड़ें व वेस्ट लकड़ी का प्रयोग होता है। बचत कम होने तथा लकड़ी की कमी के कारण ये काम अब बंद होता नज़र आ रहा है। भारत देश में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इकाइयाँ होती थी जो इस समय बंद हो चुकी हैं। ये कोयला प्रेस में इस्तेमाल होता है और इसके अलावा जहां बिजली के लिए अर्थ तैयार किया जाता है उसमें ये कोयला डाला जाता है। यानी एक कॉपर की तार भूमिगत होती है और उसमें कोयला और नमक डालकर अर्थिंग दी जाती है। विवाह शादियों में होने वाली ताज़ा ताज़ा मिठाइयां, रोटी बनाने के लिए तंदूर में इसका इस्तेमाल होता है। गाँव में भी बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं ये खास वीडियो और करते हैं बातचीत कोयला बनाने वालों से। क्या नाम है आपका? गजे। हाँ जी, गजे। गजे गजे जी, ये किस चीज़ की फैक्ट्री है? कोयले की, कच्चे कोयले की। कच्चा कोयला तैयार होता है यहाँ। क्या काम आता है ये? अर्थ में काम आया है, प्रेस में काम आया, रोटी पोहने में। अच्छा, बाकी जो बालन बेकार है अपने काम आवा है। कौन सा बालन? यो पेड़ डिपो छोटी मोटी जड़ा जोड़ा। अच्छा, ये जड़ों का इस्तेमाल करते हैं आप? हाँ। बड़े पेड़ों का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, बड़े नहीं। अच्छा, नहीं, इसके अलावा ये क्या काम, रोटी बनाने में कैसे काम लेते हो? तंदूर में। अच्छा, तंदूर में जो शादी ब्याह के अंदर जो पैलेसों में इस्तेमाल होता है। लेके जाते हैं उक्के वाले? अच्छा, तो इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे इसको तैयार किया जाता है, बताएंगे थोड़ा? हाँ हाँ, आगे जाते पीछे से। अच्छा, आगे जो मोरिये थे। जो आगे एक अच्छा जो कदराते जो आगे अच्छा बंद हो जाएगी। अच्छा, चार से तेरी मोरी ना। हाँ हाँ, आगे नकोल कर देंगे फिर गैस से पकेगा ये। अच्छा, इसके अंदर से आग लगाते हैं? हाँ, पीछे से। अच्छा, कहाँ से? बंद कर दी। अच्छा, इस सुराख के अंदर से ये आग, मतलब आप इसको जलाते हो? दो बंद कर देंगे। अच्छा अच्छा, दो बंद कर दी, अगले आ जाइए वो बंद करना, सारे में कैट छिपरा आ गई ना। हाँ हाँ, अगले बंद कर गैस से पकेगा ये। अच्छा, ये गैस तैयार, मतलब सीधी आग नहीं जलती? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जब इतना कोयला आप पकाते हैं और बहुत सारा इसमें आप बता रहे थे कि लकड़ियाँ वगैरह हम लोग बालन वगैरह डालते हैं, तो क्या इसका प्रदूषण नहीं होता धुआं? क्योंकि धुआं कोई अपने घर में बांटते हैं ना। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, नहीं तो घर में भी तो धुआं होता है ना? नहीं, वो चीज़ को नहीं, हो लकड़ी है ना, छोटी है। अच्छा, सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है? ना, नुकसान को नहीं। तो जो ईंट भट्टों में और में ये प्रदूषण होता है, ये इसका क्या प्रदूषण है? अच्छा, इसका कोई भी नहीं है, जब घर में ना रोटी बोलते हैं। हाँ हाँ, वो काम है। इसको कोलारी बोलते हैं या क्या बोलते हैं इसको? भट्टी बोलते हैं। अच्छा, भट्टी बोलते हैं। कच्चे कोयले भट्टी। अच्छा, तो ये अभी जो कचरा साथ में दिखाई दे रहा है, ये किस चीज के लिए है? कोयले अर्थ में काम आएगा। अर्थ में कैसे? बिजली घर है। हाँ हाँ, खम्बे खुम्बे जाते हैं, बैटरी बुटरी बनाए होती नमियाँ। हाँ हाँ, अंदर डाल जाता है, अर्थ में काम आता है। नवी बैटरी में? हाँ हाँ, कोयला इस्तेमाल होता है। हाँ, ये अर्थ अर्थ बनाते हैं उसका। अच्छा, अर्थिंग के लिए जिसको एक कुआ बनाते हैं, छोटा गड्ढा बनाते हैं और उसमें कॉपर की तार डालते हैं, अर्थ में काम आए। अच्छा, और किस कामों में इस्तेमाल होता है ये कोयला? जो दुबई में काम आवे, जो जो पम्प बनाना है कोलगेट। अच्छा, उसमें काम आवे। अच्छा, मंजर बनाने में? हाँ हाँ, मंजर में। ओके, वो लकड़ी का इस्तेमाल होता है? लकड़ी का हो। अच्छा, तो ये नुकसान नहीं करता इसमें? बैक्टीरिया वगैरह कीटाणु वगैरह नहीं होते? नहीं, कोई नुकसान नहीं देता। अच्छा, हाँ जी। ओके, इसके अंदर जाना पड़ेगा? हाँ, वेरी गुड। इसको सारा सराब बंद कर देंगे नहीं? हाँ हाँ, गैस से पका गई। अच्छा, गैस से पका गई। गैस कैसे, मतलब धुआं, धुएं की गैस होती होगी? नहीं नहीं। हाँ, आपके बड़ा मारा मारा मारा। अच्छा अच्छा, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा धुआं चलता रहेगा? नहीं, धुआं चला बंद हो जाएगा। अच्छा, हाँ, गैस से पका। चलो, शुक्रिया। अच्छा, एक बात बताइए, ये कोयला फिर क्या रेट बिकता है आपका? सोलह सौ। अच्छा, एक क्विंटल का रेट जो है 1600। अच्छा, तो इसमें कितने, और कच्चा माल जो है वो कितना खर्चा पड़ता है इसमें? इसमें जी, इसमें 30 क्विंटल लकड़ी पड़ा है। अच्छा, 30 क्विंटल लकड़ी, एक इसमें, एक में? हाँ जी।
ओके कोयला निकलता है 5 क्विंटल 5 क्विंटल निकलता है। अच्छा वो घट जाता है? घट देता है गिल्ले करके। अच्छा तो मतलब जो कच्चा आप लकड़ी डाल रहे हैं उसकी कितनी कीमत होती है? उसकी 250 पड़ेगा जाकर। 300 रुपए पूरी? अच्छा क्विंटल पड़ेगा गिल्ला होगा ना सूखा महंगा हो जाएगा तो मतलब 6-7 हजार का पड़ गया फिर तो। हाँ जी इसमें लिख रहा है खाता बराबर सही है अपना भट्ठी घर की है अपनी। हाँ हाँ ठीक है नी लेबर बचा है बस और कुछ आना नहीं है कुछ भट्ठी है भट्ठी 1500 रुपये छोड़ देगी जोर मार के। अच्छा एक भट्टी में 1500 रुपये बचेंगे बस। हाँ जी और कितने दिनों में तैयार हो ये कितनी भट्टियाँ हैं यहाँ पर? 7। अच्छा 7 भट्टियाँ हैं तो एक भट्टी से आपको कितनी आमदन हो जाती है? 1500 रुपये 1500 रुपये सर अपने घर की लेबर है। अच्छा अच्छा घर की लेबर है घर के लोग हैं वो मिल करके काम करते हैं इसलिए कुछ बच पाता है बस पानी वरना अगर लेबर लगाएंगे बाहर से लेकर के आएंगे तो फिर शायद मुश्किल होगा। अब भट्टे बहुत बंद हो गए। अच्छा अच्छा तो खर्चा पूरा होगा नहीं। हाँ 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 बंद पूरा हो गया जमाल होगी या तो भट्टी रामा वगैरह बंद हो रही है। अच्छा पहले यहाँ जमाल वगैरह कई जगह भट्टियाँ थी? हाँ कई जगह बंद हो रही है। अच्छा बंद होने का क्या कारण है? लकड़ी की कमी? लकड़ी महंगी हो रही है। अच्छा बचत नहीं है? नहीं बचत है। तो मतलब सरकार से इस कोई सहायता मिलती है आपको? नहीं कम कम। अच्छा तो जो बड़े बड़े उद्योग धंधे वगैरह चलाने के लिए लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि भी कोई भी गरीब आदमी आर्थिक सहायता ले सकता है अगर कोई अपना बिजनेस चलाता है तो आपने ट्राई किया कुछ ऐसा? नहीं जी हम 7 महीने हुए लगाए ना। अच्छा 7 महीने हुए? 7 महीने अपने भाई के भतीजे थोड़े किए। अच्छा अच्छा हाँ वो पढ़े लिखे पता नहीं बात का। हाँ नहीं भट्टी लगाई है। अच्छा अच्छा तो इसमें फायदा है थोड़ा बहुत जितना भी है अपना घर खर्चा चल जाता है। और कोई जान जानी है जी? ठीक है। अच्छा ये कोयला अलग है? हाँ जी अलग है। ये क्या काम आता है? ये अपने जब बड़े बड़े फार्म उठा रहे चूल्हे काम दूर में। अच्छा अच्छा इसमें तो काफी चमक दिखाई दे रही है ये कैसे होता है? हाँ। ये चमक कैसे आती है इसमें? काला हो जाए आप गैस के मारे। अच्छा पकने के कारण होता है। तो उसमें जो तंदूर है भट्टियां हैं उसमें तो दूसरा जो प्राकृतिक कोयला होता है वो काम आता है ना जो पत्थर वाला? पत्थर वाले काम आता। अच्छा नहीं आग नहीं मानते पूरी ऐसे। अच्छा आग रहेगी सारे दिन? अच्छा वो उसमें आग रहेगी नहीं और इसमें आग रहेगी? इसमें आग रहेगी। ठीक है वो भट्टी लिए काम जावे इसी काम तो। और कौन आप सिरसा में बेचते हो या बाहर के लोग भी आते हैं आपसे? सिरसा में लाई होटल में जावे। अच्छा अच्छा होटल पे वो क्या ले जाए बाहर से भी आते हैं लोग लेने के लिए? आते ही अपने गांव घूम के आते हैं। अच्छा महीने में कितना का कोयला निकाल देते हैं आप लोग? महीने में 3 गेड़ काट देते हैं। हाँ जी 3 गेड़ यानी 7 भट्टियों का 3 चक्र निकाल देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। कहते कि ये राखी जो है इससे निकलता वेस्ट जो निकलता है वो जमींदारों के लिए अच्छा होता है वो कैसे? अच्छा होता है नहीं कैसे क्या? चूल्हे में राख होती है अपन पाते हैं ना वो काम आते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका? छिड़का मारना पड़ा है। अच्छा छिड़का मार का किन किन फसलों पे ये छिड़काव कर सकते हैं इसका? किसी पे मत कर लो। अच्छा रेशे कण के कर लो सरों पे कर लो गुब्बारे पे कर लो। नहीं नरमा वगैरह पे तो नहीं करते? नरमा नहीं करते। अच्छा पहले जैसे आप बता रहे थे कि पुराने टाइम में इनका कोई कर यही करते पहला। परेत है कोई यही ये मन कर दी। अच्छा अच्छा जिम घर में आ रहे होते हैं। हाँ हाँ होते हैं हेरा कट्ठी करके मारते हैं खेत में। अच्छा चंगा होता है तो उसका फायदा होता है? फायदा होता है। ठीक है शुक्रिया जी।